नवरात्रि 2024 सप्तमी अष्टमी नवमी कब है? 9 या 10 अक्टूबर? ना वो कंफ्यूज, ये है सही तारीख। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में शारदीय नवरात्रों की सप्तमी अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त और नवरात्रि में किए जाने वाले उपायों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए माँ के भक्त 9 दिन व्रत उपवास कर रात्रि जागरण करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी का खास महत्व होता है। आइए जानते हैं साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन की शुभ मुहूर्त और नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सप्तमी कब है 2024? शास्त्रों में उदयातिथि का बहुत महत्व होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हुई है, जिस कारण चतुर्थी का व्रत 2 दिन पड़ा है। इस बार 7 अक्टूबर को 9:47 पर पंचमी तिथि शुरू होकर 9 अक्टूबर को 11:17 तक है। ऐसे में 8 अक्टूबर को पांचवा नवरात्रि व्रत रखा जाएगा, 9 अक्टूबर को षष्ठी और 10 अक्टूबर को सप्तमी का व्रत किया जाएगा। अष्टमी नवमी कब है 2024? पंचांग के अनुसार साल 2024 में अष्टमी नवमी का व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर दोपहर 12:31 से होगी, जबकि समापन 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 पर होगा। वहीं 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 12 अक्टूबर प्रातः 10:58 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार अष्टमी नवमी 11 अक्टूबर को एक ही दिन मनाई जाएगी। नवरात्रि पारायण, दुर्गा विसर्जन और दशहरा 12 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त 2024। पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर 2024 को कन्या पूजन की शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। जल सामान्य मुहूर्त प्रातःकाल 6:20 से प्रातःकाल 7:47, लाभ उन्नति मुहूर्त प्रातःकाल 7:47 से प्रातःकाल 9:14, अमृत मुहूर्त प्रातःकाल 9:14 से प्रातःकाल 10:41। नवरात्रि के उपाय। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में देवी माँ को किसी भी दिन 2 बाटी हल्दी की अर्पित कर श्री सूक्तम का पाठ करना शुभ होता है। नवरात्रि में एक सुपारी के चारों ओर सिंदूर लगाकर इस सिंदूर लगी हुई सुपारी को छोटे पीले कपड़े में रखकर देवी माँ को अर्पित करें। इस उपाय से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए रोजाना शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर लौंग के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।